अफिसियों 5:15 में लिखा सो चौकसी से ध्यान से देखो कैसे चलते हो, बुद्धिमान जैसे कि निर्बुद्धियों जैसे। हाँ, कैसे चलते हो, बुद्धिमानों के जैसे कि निर्बुद्धियों के जैसे। लिखा चाहे दिन बुरे, चाहे दिन बुरे, पर समय के बहुमूल्य समझो, क्योंकि समय कीमती है और जो समय की कदर करता है परमेश्वर उसकी कदर करता है। बोलो अपने पड़ोसी को, जो परमेश्वर के समय की कदर करता है उसकी परमेश्वर कदर करता है। इसीलिए कहा यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरी पिता की सब आज्ञाओं का आदर करोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो पिता तुम्हारा आदर करेगा। क्या करेगा पिता? तुम्हारा आदर करेगा तुम्हारा, और वो करेगा। इसलिए हमने ये बहुत ध्यान से देखना हम कौन सी चाल चल रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा बुद्धिमान मनुष्य अपना घर कहां पे बनाता है, कहां पे बनाता है, कहां पे बनाता है, चट्टान पे। बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो कहां पे अपना घर बनाता है, चट्टान पे। और जो घर चट्टान पर बनता है बाइबल कहती वो कभी भी गिरता, और जो लोग रेत पर बनाते हैं, इसका मतलब समझते हैं, रेत पर बनाने वाला और चट्टान पे बनाने वाले दोनों व्यक्तियों ने सुना है। सुनो ध्यान से, जो चट्टान पर बना रहा वो सुनकर पूरा कर रहा, और रेत पर बनाने वाला वो व्यक्ति जो सुन रहा है मगर वो कर नहीं रहा। बोलो क्या है, वो सुन रहा है मगर कर नहीं रहा, व्यक्ति दोनों सेम है। बोलो क्या है, जैसे यीशु मसीह सारे जगत के लिए मरा, कुछ लोग हील हो रहे, कुछ चंगे हो रहे, कुछ नहीं हो रहे। कारण क्या है, क्योंकि कुछ लोग उस चीजों को विश्वास से पकड़ रहे हैं और दिल से कर रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं, और कुछ नॉर्मल मन से कर रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं, कुछ बड़े विश्वास से कर रहे हैं, कुछ लोग बड़े प्यार से बड़े दिल से कर रहे हैं, कुछ कम ऐसे कर रहे हैं। समझ आ रही मेरी बात? इसलिए जितने लोग शांत से कर रहे हैं उनके जीवन में दिन ब दिन टेस्टामनी बन रही, गवाहियां बन रही हैं। क्या बन रही हैं? उनके जीवन में गवाहियां बन रही हैं, जितने लोग परमेश्वर के प्रेम को समझ रहे हैं। इसलिए आज का जो टाइटल है, आज का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, इसी चीज पर है। बोलो क्या है, इसी चीज पर है। बोलो क्या है कि परमेश्वर को पूरी तरह से जानना क्यों जरूरी है, आज का ये टाइटल है विषय। और मेरा विश्वास है कि जितने आज के विषय को समझेंगे उनके जीवन सेम नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे, उठाए जाएंगे। जो बाइबल में लिखा वो पृथ्वी की सब जातियों से ऊंचे किए जाएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैंने कहा वो सब पृथ्वी की जातियों से ऊंचे किए जाएंगे। किन चीजों में? हर चीज में। ऐसा नहीं है कि अगर पैसा है तो किसी के पास पैसा है तो वो बीमार है। परमेश्वर हर चीज में आपको ब्लेस करेगा, आपको सेहत में भी, आपके फाइनेंस को भी। अगर मान लो किसी के पास करोड़ों रुपया मगर बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, अगर उसके पास बेबी है, बच्चे की आशीष है, मगर उसके पास बिजनेस की काम की आशीष नहीं है, तो परमेश्वर उसको उसी चीज से भी ब्लेस करेगा। समझ आ रही है? पर किन लोगों को करेगा, जो वचन को बहुत चौकसी से, जैसे बाइबल कहती है यदि तू मेरी सब आज्ञाओं को चित्त लगाकर और चौकसी से पूरा करे। कैसे? चौकसी से, क्योंकि हर काम अपने आप कुछ नहीं होता। बोलो क्या है, अपने आप कुछ नहीं होता, क्योंकि हर काम के लिए हमें चित्त लगाना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा और चीज पर चौकसी करनी पड़ेगी। अगर तवे के ऊपर रोटी है, अगर हम चौकसी नहीं करेंगे तो वो जल जाएगी। और सड़ी हुई रोटी किसी काम की है? अब सड़ी हुई रोटी खाते हो? बताओ मुझे, सड़ी हुई रोटी खाते हैं? अगर दाल रखी है, सब्जी रखी है, तो वो नीचे क्या लगी, नीचे लग गई, क्या बोलते हैं उसे जो नीचे लग जाती है? हाँ, सड़ गई नीचे से। हाँ, तो खराब होगी नीचे से, वो आपने हलाया नहीं, चौकसी नहीं की, तो खराब वाली चीज तो नहीं खाओगे ना। इसी रीति से ये जीवन है, और जीवन की सच्चाई है जिसमें खुदावंद ने हमें बुलाया है। इसलिए हमने ध्यान से
इन बातों को समझना और सीखना और अपने जीवन में पूरा करना है। बोलो क्या करना है? पूरा करना है। इसलिए देखो, हम हर हफ्ते कितनी गवाहियां सुन रहे हैं। मैंने कहा हाँ, हर हफ्ते गवाहियां सुन रहे हैं कि नहीं? अगर मान लो किसी की नहीं बन रही तो उसे चेक करना पड़ेगा। मान लो अगर आप इतनी गवाहियां सुन रहे हो, अगर आपकी गवाही नहीं बन रही तो जो काम खुदावंद कर रहा है आप उनको सुनकर अपने अंदर फेथ लेकर आओ, विश्वास लेकर आओ कि हाँ, अगर परमेश्वर इनके जीवन में करेगा वो मेरे भी करेगा। ना कि ये कि अपना मन खराब करो, अपनी बुद्धि लगाओ, मेरा क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है। इसलिए कारण को समझो। बोलो क्या है? अगर आप कारण समझ चुके हो तो उसके लिए फिर धन्यवाद करो, थैंक्स गिविंग दो, धन्यवाद कहो कि हाँ परमेश्वर, मेरे जीवन में भी, मेरे परिवार में भी, मेरी फैमिली में भी आप कर चुके हो। बोलो क्या है? आप कर चुके हो। अगर इतनी गवाहियों को सुन रहे हो तो ऐसा नहीं, अगर आपका काम नहीं हो रहा तो परमेश्वर है नहीं। अगर है नहीं तो हम इतनी गवाहियां रोज रोज सुन रहे हैं, हम और भी हम गवाहियों को सुनेंगे। समझ आ रही है? कितनों को समझ आ रही है? क्योंकि हर बंदा परमेश्वर से अपना काम चाहता है और परमेश्वर भी चाहता है। परमेश्वर की डिजायर है, जो उसकी चाहत है कि सब मनुष्य उद्धार पाए, बचाए जाएं और मेरे सत्य को भली बात ही जान ले। क्योंकि जब हम सत्य समझते हैं, यीशु मसीह ने क्यों कहा तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। क्योंकि अगर समझ नहीं आए तो हम आजाद नहीं होंगे।